नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको डिज़ाइनर शॉर्ट ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सामने बेल बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो ये देखिए, मैं मेज़रमेंट आपको बताऊँगी। लेंथ जो है इसकी 33 है और इसकी चेस्ट है 32, वेस्ट है इसकी 27। तो ये इसका मेज़रमेंट है और इतने ही मेज़रमेंट के आपको इसमें ज़रूरत है। तो ये देखिए, मैंने इसे फैब्रिक इस तरह से रखा हुआ है। ये 1.5 मीटर फैब्रिक है और ये इसका अरज है। ये जो रखा हुआ है ये इसका अरज है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका अरज कितना है। जो ये चौड़ाई है ये है 54 इंच का इसका अरज है। काफ़ी ज़्यादा कपड़े का अरज है और इसलिए मैंने इसमें 1.5 मीटर लिया है। अगर आपके कपड़े का अरज कम है तो आप इसके लिए ज़्यादा कपड़ा लें। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा अरज होता है, जो हमारी दोनों किनारे वाली साइड है इसे हम अरज बोलते हैं कपड़े का। और ये जो सामने की साइड है इसे हम लेंथ बोलेंगे, जो कि इसकी 1.5 मीटर है। ये हमारी लेंथ है और जहाँ पर मैंने आपको लंबाई बताई इंची टेप रख कर के, ये हमारे कपड़े का अरज होता है। अगर आपके कपड़े का अरज कम है तो आप इसके लिए ज़्यादा कपड़ा लें। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है। इसमें से मैं अपना टॉप पार्ट बनाऊंगी। नीचे मैं निशान लगा दूंगी। ये हम कपड़ा बराबर करने के लिए लगाते हैं क्योंकि नीचे से कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो 16 इंच का मुझे यहाँ पर निशान मैं लगाऊंगी क्योंकि 15 इंच मुझे तैयार हमारा टॉप पार्ट चाहिए। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसमें लिया है। 1/2 इंच हम ऊपर जाएगा हमारा सिलाई में और 1/2 इंच हमारा नीचे जाएगा सिलाई में। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं 16 इंच पर ही निशान लगाऊँगी। अब यहाँ पर हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे क्योंकि ये मैं स्ट्रेप वाली ड्रेस आपको बना करके दिखाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर 5.5 पर निशान लगाऊंगी, 5.5 इंच पर। इसे ज़्यादा आप ना ले, 5 इंच भी आप इसमें ले सकते हो। 5 इंच या 5.5 इंच पर ये निशान आप लगा सकते हो। इससे ज़्यादा लोगे तो स्ट्रेप आपका कंधे से नीचे जाएगा। तो ये हमारा शोल्डर का निशान हो गया। इसके बाद अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये निशान हम लगाएंगे 6.5 पर, 6.5 इंच पर। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हो विदाउट स्ट्रेप तो आप यहाँ पर 6.5 इंच का शोल्डर ले और उसके बाद सिंपली निशान लगाने जैसे हम हमेशा टॉप पार्ट में लगाते हैं। तो नीचे की साइड से मैंने यहाँ पर 6 इंच पर ये निशान लगाऊंगी मैं। यहाँ पर ऊपर से हमने 5.5 पर लगाया, नीचे से हम 6 इंच पर लगाएंगे क्योंकि नीचे से फिर हमारा खिंचाव हो जाएगा, तो इसलिए हमें नीचे से थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। 1/2 इंच हमने बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर हम नॉर्मली जैसे बाकी निशान हमारे लगते हैं इसी तरह से लगेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी जितनी भी है, हमारी चेस्ट यहाँ पर 32 है, तो 32 का हमें 1/4 भाग करना है और उसके बाद यहाँ पर निशान लगाना है, जो कि आएगा हमारा 8 पॉइंट यहाँ पर आएगा 8 इंच। तो 8 पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और उसमें हम 1/2 प्लस कर देंगे। 8.5 पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे क्योंकि जैसे कि हम प्रिंस कट बनाते हैं उसी तरह से इसमें बीच में कट आएगा। ये प्रिंस कट के जैसा ही है, सिमिलर ही है उससे, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे। 1/2 इंच हमारा दोनों साइड हो जाएगा तो 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा जो हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो बिल्कुल हमारा उतना ही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बाकी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगा देंगे सिलाई के लिए। अब यहाँ पर हम 7 इंच पर ये निशान लगाएंगे, हमारी कमर का निशान है और इसे हम सीधा मिला देंगे नीचे तक। इसमें मैं जो ड्रेस आपको बना कर के दिखाऊंगी, इसमें मैं यहाँ पर स्ट्रेप लगाऊंगी ऊपर की साइड और इसमें जैसे हम प्रिंस कट बनाते हैं उसी तरह से इसमें निशान आएंगे, बस थोड़े से अलग होंगे और इसलिए इसमें आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब दोनों साइड हमारा सिलाई में जाएगा, हल्का हल्का ही, हमें 1/2 इंच सिलाई में नहीं लेना है, हल्का सा ही लेना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल का। ये गोलाई हम दे देंगे, जो ये पहले वाली गोलाई जो हम फ्रंट साइड में देते हैं वो केवल मैं आपको बताने के लिए दे रही हूँ कि नॉर्मली निशान लगेंगे बिल्कुल सिंपली तरीके से जैसे हम हमेशा लगाते हैं। और इसके बाद 1/2 इंच पर हम ये निशान लगा देंगे दूसरा वाला जो हमारे बैक साइड का होता है, पर इसमें हम केवल बैक साइड का ही कटिंग करेंगे। ये मैं आपको लगा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो।
इस तरह से जैसे हम सिंपली शेप देते हैं इसी तरह से हमें ये भी निशान लगा लेने हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम स्ट्रैप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से ऊपर से जो हमने निशान लगाया हमारा, यहाँ से 4 इंच पर मैं ये निशान लगाऊंगी, क्योंकि 4 इंच की मुझे स्ट्रैप बनानी है। आप ये 3.5 या 3 इंच भी कर सकते हो, और इससे ज़्यादा आप ना करें, बस इतना ही ठीक रहेगा, वरना ख़राब लगता है। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर लिया है। अब हम नेक का निशान यहाँ पर लगाएंगे। नेक की आप जितनी ज़्यादा लेंथ चाहो उतनी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो लेंथ रखी है वो 5 इंच रखी है। 5 इंच सही रहती है, 5.5 पर लगा सकते हो, आप इससे ज़्यादा ना लगाएं, और इससे कम भी आप बहुत ही आराम से लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच पर नेक का निशान लगाया है। अब यहाँ पर इसे हम मिला देंगे। अब ये देखिए, इसमें आपको समझने की ज़रूरत यहाँ पर है कि स्ट्रैप की आपकी इच्छा है, आप जितना ज़्यादा लेंथ रखना चाहो इसकी उतना रख सकते हो, और कम ही अच्छी लगती है। वैसे 4 इंच काफ़ी रहेगी, इसलिए मैंने 4 इंच पर लगाया है। और जो हमने 5 इंच पर निशान लगाया नेक का अपनी लेंथ का, इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। और ये जो चौड़ाई है ये बिल्कुल सही रहती है। यहाँ पर आप चाहे तो इसे कम भी कर सकते हो, 3.5 पर भी ये निशान लगा सकते हो, या आप 3 इंच भी ये ले सकते हो, वो भी आपका सही रहेगा। तो अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे इस तरह से। अब इसमें चाहे तो आप कोई भी शेप दे सकते हो, आप इसे सीधा भी रख सकते हो, या आप इसमें अंदर की साइड कर्व देकर भी आप इसमें नेक का डिज़ाइन बना सकते हो। मैं इसमें सिंपली इस तरह से कर दूंगी और हल्का सा कर्व दे दूंगी, तो ये हमारा नेक इस तरह से हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सिंपली निशान हमें लगाने हैं। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। निशान मैं आपको जैसे हम हमेशा टॉप पार्ट बनाते हैं उसी तरह से लगा करके दिखाऊंगी। तो ये जो हमने यहाँ पर शोल्डर का जो लिया, अगर आपको सिंपली बनाना है बिना स्ट्रैप के, तो आप शोल्डर ज़्यादा ले सकते हो, 6.5 या 7 इंच, और इससे कम आप ना लें। और क्योंकि मुझे ये स्ट्रैप वाला बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे शोल्डर कम लिया है। शोल्डर आप 5.5 से कम ज़्यादा ना ले, 6 इंच भी ना ले, क्योंकि वो ज़्यादा रहेगा और हमारा जो स्ट्रैप है वो कंधे से नीचे जाएंगी। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर 5.5 पर ही निशान लगाया। आप 5 पॉइंट पर भी ये निशान लगा सकते हो, 5 इंच लगा ले वो भी ठीक रहेगा। तो ये हमारे निशान इस तरह से हो गए हैं। अब हम डार्ट का निशान लगाएंगे। डार्ट का किस तरह से निशान लगाना है मैंने हर वीडियो में आपको समझाया है। ऊपर से हम यहाँ पर 10.5 पर ही निशान लगाएंगे, 10.5 पर यहाँ पर। और अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो 9.5 पर ही निशान लगता है, 32 से 40 है तो 10.5 पर लगेगा, और 40 से ऊपर है तो ये 11.5 पर आपका निशान लगेगा ऊपर से। हमेशा इसी तरह से लगता है। ब्लाउज़ में भी आप इसी तरह से लगाएं तो आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। और टॉप पार्ट हम जब भी बनाते हैं, अगर आप डार्ट डालते हो तो उससे बहुत अच्छी शेप आती है, तो आप डार्ट ज़रूर डालें। और अब ये जो दूसरी वाली चौड़ाई है, ये यहाँ पर जो चौड़ाई का निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी, वो हम लगाएंगे जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको आपको 10 से डिवाइड करना है, और जो आएगा उतना निशान आपको यहाँ पर लगाना है। जो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होता है वो 1.25 का होता है, पर आप नाप करके ही निशान लगाएं तो हमारा मेज़रमेंट बिल्कुल सही होगा। तो ये निशान मैंने इस तरह से लगा दिए हैं, हमारी डार्ट का निशान। अब इसे हमें ऊपर तक मिलाना है, जहाँ पर हम स्ट्रैप बनाएंगे वहाँ तक हमें मिलाना है। जैसे हम प्रिंस कट बनाते हैं उससे थोड़ा ये अलग है। अगर आप डार्ट के, अगर आपका स्ट्रैप का, जैसे आपने, मैंने यहाँ पे लिया 5.5, अगर आप 5 पॉइंट पर लगाओगे 5 इंच पर, तो आपको वहीं पर लगाना है जहाँ पर हमारे ये हमने स्ट्रैप के निशान लगाए हैं। अब इसे हम सीधा मिला देंगे, तो आपको केवल उसी पॉइंट पर, वहाँ पर ये निशान लगाना है जहाँ पर हमने स्ट्रैप के निशान लगाए हैं। और अब यहाँ पर हम 1/2 इंच पर ये निशान लगा देंगे, ये हमारे डार्ट के निशान हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। और इसके बाद इसमें हम हल्का सा कर्व दे देंगे, जैसे हम प्रिंस कट में हल्का सा कर्व देते हैं उसी तरह से हमें इसमें कर्व दे देना है। ये ऐसे हल्का सा हम इसमें कर्व दे देंगे, और ये हमें वहाँ तक मिलाना है जहाँ तक हमने ये स्ट्रैप का निशान लगाया था, 4 इंच तक। ये यहाँ तक हम इसे मिला देंगे, और ये हमारे निशान हो गए हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे निशान हैं, इसलिए मैं पूरा आपको निशान लगा करके दिखा रही हूँ। और इसे अब हम कट कर देंगे,
और यहाँ से आपको ध्यान देना है कि हमें किस तरह से कट करना है। मैं आपको पहले पूरा कट करके दिखा देती हूँ। हम जैसे सिंपल कट करते हैं उसी तरह से आप इसे कट कर लें। अगर आप इसे विदाउट स्ट्रिप बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसी तरह से कट करके इसे बना सकते हो। और अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो हमने निशान लगाए हैं अब इसे हम कट कर देंगे इस तरह से। ये कटिंग हमारी हो गई है, तो ये हमें केवल इस तरह से कट करना है। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारी बैक साइड का कपड़ा है उसमें भी हमें कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमें कपड़ा रखना है, और ये मैंने टू फोल्ड करके रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने अपना कपड़ा रख लिया है। जो हमने अभी कटिंग की थी वो हमने इसके ऊपर रख ली है, और ये हमारी बैक साइड का कटिंग होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल्कुल इसी के ऊपर ऊपर हमें कट कर देना है। बस साइड में हमने इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो ये जो नीचे का पार्ट है उसमें डार्ट्स नहीं आएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम हाफ इंच कम कर देंगे। साइड में हम यहाँ पर हाफ इंच कम कर देंगे। हाफ इंच पर मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी, क्योंकि पीछे की साइड हमारी डार्ट नहीं आएगी बैक साइड में, फ्रंट साइड में हमारे डार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे हाफ इंच ज़्यादा लिया था। तो इस तरह से हम केवल यहाँ की चौड़ाई कम करेंगे, बाकी हमें बिल्कुल इसके बराबर बराबर से कटिंग कर देनी है। और ये जो फ्रंट साइड पे हमने निशान लगाया था इसे हमें कट नहीं करना है। ये मैंने केवल आपको निशान लगा करके दिखाया था कि ये बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग होगी, बाकी इसमें हमें फ्रंट साइड में कटिंग नहीं करनी है। नीचे की साइड से भी हम इसे कट कर देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। और अब ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक साइड का अलग कर लेंगे, इसमें हम सेंटर कट दे देंगे। और अब इसमें हम अपनी जो हमारी मेन कटिंग है वो करेंगे। इसे हम बराबर से रख लेंगे। आप ध्यान दें कि ये कभी भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो कपड़ा। यहाँ से इसे हम कट करके बाहर निकाल देंगे। तो ये हमने इस तरह से कट करके इसे अलग कर लिया है। अब ये कुछ इस तरह से हमारा कपड़ा दिखेगा। तो ये हमें कुछ ऐसे जोड़ने हैं आपस में, सिलाई करके इसे हम ऐसे जोड़ लेंगे। ऐसे करके हम इसमें सिलाई कर देंगे, और यहाँ पर हमारे स्ट्रेप आ जाएंगे और ये हमारा टॉप पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसे अब हम इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर हमारा कर्व आ जाएगा। कुछ इस तरह से हम इसमें रख करके इस पर कट सिलाई कर देंगे, और दोनों साइड से हम इसी तरह से सिल करके इसे तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छी हमारी फिटिंग आ जाएगी, और ये इस तरह से डार्ट हमारे डल जाएंगे। ये थोड़े अलग तरीके के डार्ट हैं, इससे पहले मैंने इस तरह के डार्ट डालना नहीं बताया है। तो ये हमारा बैक साइड का है। अब देखिए, अब इसके बाद हमें नीचे का, अब जो हमारा बॉटम पार्ट है वो हमें कट करना है। वो कैसे करना है ये देखिए आप। हमारा जो टॉप पार्ट है उसकी जो चौड़ाई है, जो हम बॉटम में कपड़ा लगाएंगे, कम से उसके डबल होना चाहिए आपका कपड़ा, मतलब जो हमारा ऊपर का टॉप पार्ट है उसे डबल होना चाहिए। और इससे ये थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अरज ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा है, इसमें हमारा घेर ज़्यादा आएगा। और अगर आपका कपड़ा कम है थोड़ा तो उसमें घेर कम आएगा। आपको डबल कपड़ा इसमें चाहिए अच्छे घेर के लिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें बहुत अच्छा घेर आएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है। और अगर कम है तो थोड़ा बहुत ही कम होना चाहिए, ज़्यादा कम हो तो घेर बहुत ही कम आएंगे। तो ये मैंने इस तरह से जो हमारा बॉटम का पार्ट है ये मैंने टू फोल्ड करके ऐसे रखा हुआ है, और ये मैंने ऐसे टू फोल्ड कर लिया है। और ये हमारी लेंथ 15 इंच छोड़ करके जो हमारी लेंथ है उसे हम यहाँ पर उतनी ले लेंगे, उसमें 1 इंच हम प्लस कर देंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे जाएगा सिलाई में और हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में। तो 15 इंच कम करके हम अपनी 33 जो हमारी टोटल लेंथ थी उसका अब नीचे की साइड हम इसमें लेंथ नाप लेंगे, और चौड़ाई हमारा जितना अरज है उतनी पूरी आएगी, और इसे हम कट करके दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने बीच में से कट कर दिया, ये दो पार्ट हमारे हो गए हैं, एक हमारा फ्रंट साइड में और एक हमारा बैक साइड का। तो ये दो पार्ट हमें इस तरह से कर लेने हैं। अब ये जो हमारा टॉप पार्ट है उसमें हम सिलाई करेंगे, इस तरह से रखा जाएगा, और इस तरह से रख करके हमें सिलाई करनी है, जैसा भी मैंने आपको समझाया था बिल्कुल उसी तरह से। तो आइए शुरू करते हैं इसमें सिलाई करना। तो यहाँ से हमें इस तरह से
बिल्कुल कोने से पकड़ना है हमें अपना कपड़ा, और यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। मैंने इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब देखिए यहाँ पे हम जब इसे सिल देंगे तो ये हमारा लगभग हाफ इंच ही हो जाएगा, तो ये हमारा सिलाई में अंदर चला जाएगा हाफ इंच। आप एक साइड से हाफ इंच लेकर के अगर सिलाई लगाओगे तो एक इंच हमारा कम हो जाएगा। तो हमें इसमें हाफ इंच नहीं लेना है, हाफ इंच से कम लेना है, मतलब हल्का सा ही हमें थोड़ा सा ही ज़्यादा लेना है बस। और ये टोटल दोनों साइड से हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो टोटल जो चौड़ाई है वो हमारी हाफ इंच हो जाएगी। तो हमें हल्का हल्का ही कपड़ा अंदर दबा करके इसमें सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई हो गई। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही कर देंगे। हाफ इंच हमारा इधर से कम हो गया, अब इधर से हम जब सिलाई करेंगे तो हाफ इंच हमारा यहाँ से कम हो जाएगा, हाफ इंच के आसपास ही होगा। हल्का फुल्का अगर वन पॉइंट समथिंग के आसपास अगर आपका बढ़ भी जाए तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा लिया था वो 2 इंच लिया था मार्जिन के लिए। वैसे आप 1.5 भी मार्जिन के लिए ले सकते हो, 1.5 इंच 2 इंच जितना भी आपको ठीक लगे या जितना आपके पास कपड़ा हो। वो हम इसलिए लेते हैं ताकि अगर हमें फ्यूचर में कभी कपड़े में अगर ज़्यादा हमें चौड़ा करना पड़े तो हम बहुत ही आसानी से कर सकें, लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो हम इजीली कर सकें, इसलिए हम इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं। तो ये इस तरह से हम इसमें सिलाई कर देंगे। और ये सिलाई आप डबल डबल लगा ले तो अच्छी है, और सिलाई लगाने के बाद आप इसमें इंटरलॉक ज़रूर करें, उससे हमारा जो हमारी सिलाई है वो निकलेगी नहीं। आप डबल सिलाई लगा ले इसमें इसी तरह दोनों साइड, और उसके बाद इंटरलॉक करना बिल्कुल ना भूले। तो ये इस तरह से, ये देखिए आप, कुछ इस तरह से हमारा टॉप पार्ट बन कर के जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो तैयार हो जाएगा। और ये हम जब इस तरह से शेप इसे देते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे इंटरलॉक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और चाहे तो आप इसमें डबल सिलाई लगा ले, उससे हमारा कपड़ा पक्का हो जाएगा तो बहुत ही सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर खींचेगा तो हमारा कपड़ा निकलेगा नहीं। तो अब इसके बाद ये नीचे से हमारा हल्का सा कपड़ा कम हो जाता है, हल्का सा हाफ इंच से भी कम, तो उसे हम कट करके बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा पार्ट इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसमें कट दे देंगे सेंटर में। सेंटर में कट देना बहुत ज़रूरी होता है, जब हम इसमें फिटिंग के निशान लगाएंगे तब ये हमारे काम आएगा। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे इसकी। जो ये स्ट्रैप है ये मैंने 9 इंच की इसकी लेंथ ली है, जो हमने अपनी स्ट्रैप की लेंथ ली थी वो ली थी 4 इंच, तो टोटल हो गई 8 इंच। और इसमें हम केवल 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो केवल हमें 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। और ये जो चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पर, वो मैं हाफ इंच की चौड़ाई लूँगी अपने स्ट्रैप की। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी चौड़ा रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आप हाफ इंच, 1 इंच या 1.5 इंच कितना भी अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर ये जो मैंने चौड़ाई ली है ये मैंने हाफ इंच ली है, और जो ये मेरी स्ट्रैप है ये मैंने 1.5 चौड़ाई ली है, और सिलाई करने के बाद हाफ हो गई है, मैंने सीधा कर लिया है सिलाई करने के बाद। और ये कुछ इस तरह से मैंने अपने स्ट्रैप तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें कैसे लगाना है ये मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए हमें ओरेप पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ओरेप पट्टी कैसे काटते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मैंने इस तरह से ओरेप पट्टी कट कर ली है। अब इसे हमें यहाँ से लगाना शुरू करना है। जैसे सिंपली हम ओरेप पट्टी से गला बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये भी बनेगा। वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें हल्का हल्का सा सिलाई करनी है। और अब यहाँ पर ये देखिए, इसे हम हाफ़ करेंगे और अपना 4 इंच नाप करके निशान लगा देंगे, तो ये हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हाफ इंच हमें यहाँ पर, ये आप निशान लगा ले हाफ इंच पर। अब यहाँ पर जहाँ पे हमारी सिलाई है, आपको ध्यान रखना है जहाँ पर सिलाई है बिल्कुल सिलाई के ऊपर, ये जो हमारी जैसे हमने पिंस कट में बनाते हैं उसी तरह से हमारा जो जॉइंट है केवल उसके ऊपर हमें अपना स्ट्रैप रखना है और यहाँ से सिलाई कर देनी है। अगर आप इस तरह से सिलाई करेंगे तो आपका स्ट्रैप अंदर की साइड भी नहीं दिखेगा, ये सिलाई के अंदर चला जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग आएगी आपके टॉप में। तो इस तरह से हम पूरे में सिलाई कर देंगे, जैसे हम सिंपली गला बनाते हैं ओरे पट्टी से, ऐसे ही हमें ये भी बनाना है। और दूसरी साइड भी हमें वही
ये जो हमें आपको याद रखना है, ये जो स्टेप है ये हमें वहाँ लगाना है, ये जो हमने सिलाई की है अभी अभी जो हमने ज्वाइन किया है, बिल्कुल सिलाई के ऊपर आपको ये लगाना है। हल्का सा भी आप टेढ़ा मेढ़ा ना करें। तो मैंने ये दूसरी साइड भी लगा लिया है और सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है इसकी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, अब हम अपना बैक साइड का पार्ट लेंगे और अब इसमें भी हम इसी तरह से और एक पट्टी अपनी लेंगे जो हमने कट की हुई है, और ये 1.5 है और जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कट करके अलग कर देंगे बाद में। ये 1.5 चौड़ी हमारी पट्टी है, इसमें भी हम इसी तरह से सिलाई कर देंगे। और अब हम जो हमारा पार्ट था पहले वाला वो उठाएंगे और ये इस तरह से, ये आप देखिए इस तरह से जो हमारी सिलाई है वो आपको ध्यान रखना है, वो हम बिल्कुल बीच में रखेंगे, जो हमारी स्ट्रेप की सिलाई है वो बीच में रखेंगे। और यहाँ पर रख कर के अब हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे, कपड़ा हम रखेंगे ये देखिए आप इस तरह से। हाफ इंच हमें अंदर लेना है, जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, और निशान आपको दोनों साइड लगा लेने हैं अपने स्ट्रेप पर। तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है, बिल्कुल सिंपल तरीका है ये। दोनों साइड इसी तरह से हम स्टेप लगाएंगे और सिलाई कर देंगे, ये सिलाई हमें कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर भी हम इसी तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना करके लाती रहूं। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है लाइक करने से। तो इसके साथ ही मैंने फेसबुक का भी लिंक, जो मेरा पेज है उसका मैंने लिंक दिया है, और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसका जो मेज़रमेंट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये मैंने सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर ली है, और ये जो एक्स्ट्रा का है इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन करके रेडी है, ये देखिए आप। और ये स्ट्रैप आप अपनी मर्जी से कितना भी चौड़ा कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसे मैं फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। जो रेडीमेड हमें मार्केट में मिलते हैं टॉप या इस तरह की ड्रेसेस, उसमें केवल कपड़ा इसी तरह से फोल्ड कर देते हैं और उस पर सिलाई लगी रहती है। तो चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, और चाहे तो आप नॉर्मली जैसे हम अपने ओरे पट्टी से गला बनाते हैं, नेक जैसे हम बनाते हैं अंदर फोल्ड करके कपड़ा, उस तरह से भी हम इसे बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको ये बताऊंगी कि हम किस तरह से बनाएंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगी, और लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप चाहो कि आप दूसरी तरह से नेक बनाना, तो वैसे भी आप नेक बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारा, अब ये जो नीचे की साइड से हमारा कपड़ा है ये एक्स्ट्रा का है, और साइड से भी हमारा कपड़ा कम हो गया है क्योंकि आगे की साइड हमने इसमें डार्ट डाली है और पीछे की साइड डार्ट नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए आपको सेंटर से सेंटर मिला लेना है, ये आप देखिए यहाँ से सेंटर आप मिला ले फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों का। तो अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, इसे हम कट कर देंगे नीचे की साइड से, क्योंकि हाफ हाफ इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में चला गया, तो इस वजह से नीचे की साइड से हमारा एक्स्ट्रा होगा, ऊपर से हमारा अलग से नहीं होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा कपड़ा। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड में, और अब ये हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अब इसे हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर हम इसमें निशान लगाएंगे। ये जो हमारी फिटिंग के निशान थे उसे एक बार और हम चेक कर लेंगे। ये देखिए अगर आप चाहते हो इसे फोल्ड करके बनाना, तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, और चाहे तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर आप इंटरलॉक ज़रूर करें। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लेंगे, और इसके बाद अब हम यहाँ पर अपने फिटिंग के निशान लगाएंगे।
एक बार हम यहाँ पर इस तरह से सेंटर अपना बना लेंगे और निशान लगा लेंगे। ये इस तरह से हमें डबल फोल्ड अपना कपड़ा करना है और यहाँ पर हमें निशान लगा देना है सेंटर में। ऊपर भी हमें इसी तरह से करना है और नीचे की साइड भी हम ऐसे सेंटर का निशान लगा लेंगे। दोनों साइड हमारे सेंटर के निशान हो जाएंगे। और अब इसके बाद जो हमारा मेजरमेंट है, जो हमारी चेस्ट है, उसका हमें फोर्थ भाग करना है और यहाँ से नाप करके अब हम निशान लगा देंगे। 8 इंच था तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे। 32 हमारी चेस्ट थी तो उसका हम फोर्थ भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा, 8 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब ये जो नीचे की साइड है यहाँ पे भी हमने सेंटर बनाए हुए हैं। 7 इंच पर हमारी कमर का निशान है यहाँ पर, जो हमने तब निशान नहीं लगाया था, अब लगाएंगे क्योंकि अब हमने डार्ट डाल दी है। तो हमारी जो वेस्ट है वो 27 है, उसका हमें फोर्थ भाग करना है और तब यहाँ पे ये निशान लगा देना है। और अब नीचे की साइड जहाँ तक ये आपको लेंथ लेनी होती है, मान लीजिए आपको 15 इंच लेनी हो तो आप ऊपर से 15 इंच नाप करके अपनी जो आपका मेज़रमेंट है वो निशान आपको यहाँ पे लगाना होता है। 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ जाएगा हमारा, केवल हमें इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद दूसरी साइड भी हम नाप करके निशान लगा लेंगे इसी तरह से। अब ये भी एक तरीका ये भी है निशान लगाने का, ये आप देखिए इस तरह से हम वहाँ से नाप लेंगे कि हमारा कितने इंच पर निशान है। ये देखिए वहाँ पर हमारा 2 इंच पर, इधर भी हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इस साइड भी हम देखेंगे कि कितना इंच पर निशान लगा है, दूसरी साइड भी हम इसी तरह से नाप करके निशान लगा लेंगे। और चाहे तो आप सेंटर का निशान लगा करके तब भी आप इसमें निशान लगा सकते हो अपनी फ़िटिंग के, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये हमारे फ़िटिंग के निशान हो गए हैं। अब जो हमारा जो बॉटम पार्ट है अब वो हम इसमें जोड़ेंगे। तो ये जो हमारा बॉटम पार्ट है ये इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सेंटर बना देंगे। ये हमने सेंटर बना दिया है। अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है, छोटी छोटी सी हम इसमें प्लेट्स डाल देंगे। आपकी इच्छा, आप कितनी भी चौड़ी से रख सकते हो। और ये मैं सुई की मदद से करूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने नीचे की साइड से हल्की सी कटिंग नहीं की थी तो वो कटिंग मैं अभी इसमें कर देती हूँ। ये अब इसके बिल्कुल बराबर हो गए क्योंकि हमारा थोड़ा सा कम हो गया था कपड़ा, तो इसलिए हम यहाँ से कट करके इसे बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो अब हम सुई में धागा डालना है आपको और इस तरह से हमें इसमें प्लीट्स बना देनी है। बहुत ही ईजी तरीका है ये प्लीट्स बनाने का। इस तरह से हमें पूरे कपड़े में इसी तरह से प्लीट्स बना लेनी है और इस तरह से हमें बिल्कुल पता रहता है हमें कितनी चौड़ी बनानी हो और जो साइज़ है वो सबका बिल्कुल बराबर रहता है। तो ये मैंने इस तरह से कर लिया है। ये देखिए आप, हमारी प्लीट्स इस तरह से बन गई है, ये कुछ ऐसे। और ये धागा हम, आप थोड़ा लंबा ही धागा रखें ताकि निकल ना जाए। दोनों साइड आपको काफ़ी काफ़ी धागा छोड़ करके रखना है। और अब हम इसे रख लेंगे और इसके ऊपर अपने टॉप पार्ट को रखेंगे। ये जो हमने निशान लगाया था हमारा फिटिंग का, अब यहाँ से हम बिल्कुल प्लेन रखेंगे। जो प्लेट्स हैं वो हम निशान के बाद से डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम सिंपली सीधा निशान इस तरह से जो हमने लगा रखा है वहाँ तक हम इसमें सिलाई कर देंगे। इसके बाद हम इसमें प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो ये जो हमारे प्लेट्स हैं, बस आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि चारों तरफ आपकी प्लेट्स बराबर हो, जिसे आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद सेट करते रहना है और तब आपको ये सिलाई लगाते रहना है। सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है आपको इसमें। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लेट्स आपके बिल्कुल बराबर हो चारों तरफ। तो ये हमने इस तरह से सिलाई इसमें कर ली है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। और ऐसे ही हमें बैक साइड में भी प्लेट्स बनानी है और बिल्कुल इसी तरीके से उसमें सिलाई करके लगा देना है। बहुत ही सिंपल तरीका है प्लेट्स बनाने का। अगर आप अलग से प्लेट्स डालोगे तो उसमें कमियां ज़्यादा छोटे बड़े भी रह जाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका, आप ऐसे ही डालें और ईजी भी रहता है, हमारा टाइम भी बचता है और मेहनत भी हमारी कम लगती है। अब यहाँ से हम इसमें सिलाई कर देंगे जो हमने निशान लगाए थे अपनी फ़िटिंग के। ये आपको दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर से रखना है और अपने निशान के ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम अपने निशान के ऊपर सिलाई लगा देंगे।
ये आपको ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा दोनों साइड से बराबर हो, टेढ़ा मेढ़ा ना जा रहा हो। और इसके बाद इसे हम नीचे तक थोड़ा सा कर्व दे करके, अब केवल हमें हाफ हाफ इंच छोड़ना है यहाँ पर, और पूरा हमें नीचे तक सिलाई करके ये मिला देना है। केवल इसमें हाफ इंच ही हम छोड़ेंगे साइड में, और इसे नीचे तक मिला देंगे। सीधी सिलाई कर लेनी है हमें। ये देखिए नीचे तक हमने ये सिलाई कर ली है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी ये फिटिंग के निशान लगा देंगे जैसे हमने अभी किया है, और उसके बाद नीचे से हम इसे फोल्ड कर देंगे। हाफ हाफ इंच ये हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। अब ये जो नेक है ये मैं आपको बताऊंगी अब किस तरह से हम दूसरी तरह से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने सिल दिया था। अभी जो अंदर की साइड कपड़ा है ये वाला हमारा, जो हमारा सिलाई में था, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये ऐसे, ये जो हमारा कपड़ा है ये देखिए आप, इसके साथ हमें इसके ऊपर कपड़ा करके हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है अपना कपड़ा। ये देखिए ऐसे। और अब यहाँ पर किनारी पे हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर किनारी किनारी में हम सिलाई लगा देंगे पूरे में। इस तरह से पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है। और आपकी जैसी इच्छा हो किसी भी तरह से आप नेक बनाएं, चाहे जैसे पहले मैंने बताया वैसे ही बना सकते हो, और इस तरह से भी आप नेक बना सकते हो। तो ये हम सिलाई ऐसे कर देंगे, पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा इसे हम कट कर देंगे। नेक बनाना मैंने आपको रे पट्टी से बताया है, बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। ये भी बहुत ईजी है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसमें कट कर देंगे, और अब फाइनल सिलाई हम इसमें लगा देंगे। यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसमें फाइनल सिलाई लगा देंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत ही ईजी तरीके से आप इस तरह से भी नेक बना सकते हो। आपकी इच्छा है आप कैसे बनाना चाहते हो। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लेंगे और ये नेक तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से सिलाई करने के बाद हमारा नेक दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं ऐसे। और इस तरह से बना करके आप तैयार कर लें। आपको दोनों तरीके जो भी आपको सही लगे आप उस तरीके से नेक बना सकते हो। और इस तरह से स्ट्रैप हमारी अंदर आ जाएगी जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी, और हमारी बाहर के साइड दिखेगी भी नहीं। तो ये देखिए ये हमारी ड्रेस बन करके बिल्कुल रेडी है, और ये बहुत ही खूबसूरत हमारी ड्रेस बनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक ज़रूर कीजिए, और इसका मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी ड्रेस बन करके कैसी लगेगी। तो ये आप देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारी ड्रेस आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।